हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल केएमसी काना मैथ कोचिंग। टुडे वी विल डू चैप्टर नंबर 4 ज्योमेट्री। आज की वीडियो में चैप्टर नंबर 4 करेंगे, क्या है ज्योमेट्री। ठीक है, तो फर्स्टली हमको ज्योमेट्री का मीनिंग भी पता होना चाहिए, है ना। ज्योमेट्री मीन्स क्या होता है, ये किससे मिलके बना है, ग्रीक वर्ड है, ठीक है। और ये क्या है, जियो और मैट्री, ठीक है, ये दोनों अलग अलग हैं। जियो मीन्स क्या है, अर्थ, और मैट्री मीन्स क्या माना जाएगा कि हमारी जो मेजरमेंट है, ठीक है। तो ज्योमेट्री का मतलब क्या हो जाएगा, हमारी अर्थ की मेजरमेंट क्या होगी। ओके, तो देखो इसमें फर्स्ट पॉइंट, जब भी हम स्टार्ट करने जाते हैं, कोई भी चैप्टर स्टार्ट करते हैं, तो उसके बेसिक से जाते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज 4.1 करवाने से पहले 4.1 का पूरा इंट्रोडक्शन दे रही हूँ कि इस 4.1 एक्सरसाइज में है क्या। जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो आपको इजीली जो है 4.1 एक्सरसाइज कर पाओगे आप इजीली, ठीक है। और जो चैप्टर नंबर 4 ज्योमेट्री है, इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है पॉइंट का। जब ज्योमेट्री कर रहे हैं तो सबसे पहले पॉइंट ही पता होना चाहिए ना, पॉइंट से ही तो सभी आगे होगा फिर। पॉइंट, स्मॉल डॉट मेड बाय शार्प पेंसिल और ऑन ए प्लेन पेपर, एक छोटी सी डॉट लगा लो, ठीक है। मेरे पास तो अभी पेन है, बट एक छोटी सी डॉट लगा लो, ठीक है। जब एक शार्प पेंसिल से, एक डार्क जो शार्प पेंसिल की हुई होती है, पेंसिल को शार्प किया होता है, तो वो डार्क होती है ना, तो उस पर अगर हम डिनोट लगाते हैं, कोई भी डॉट है वो शार्प पेंसिल से बनाई जाए, एक प्लेन पेपर पे बनाई जाए, ठीक है, तो वो क्या होता है, पॉइंट होता है। इसको मैं कोई भी नेम दे दूँ, ए नेम दे दिया मैंने इसे, ठीक है, पॉइंट ए बोलूँगी मैं इसे। मैंने इसे बी नेम दे दिया तो पॉइंट बी बोलूँगी, ठीक है ना। नेक्स्ट है, इट ओनली डिपिक्ट द एग्जैक्ट पोजिशन, ये सिर्फ क्या बताता है, एग्जैक्ट पोजिशन बताता है, एग्जैक्ट पोजिशन बताता है। और ये क्या बताता है, एक पॉइंट है जिसकी कोई लेंथ नहीं होती, ब्रेथ नहीं होती, इसकी कोई लेंथ ही नहीं है, इसकी ब्रेथ भी नहीं है, इसकी हाइट भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, है ना। और एक पॉइंट को हम डिनोट करते हैं एक सिंगल कैपिटल लेटर। अभी मैंने आपको बताया, चाहे हम क्या ले लें, ए ले लें, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, कुछ भी ले सकते हैं हम, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, पॉइंट ही आया है हमारा फर्स्ट नंबर पे। सेकंड है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होता है, लाइन सेगमेंट हमारी क्या होती है, एक लाइन सेगमेंट जो होता है वो लाइन का पार्ट होता है। किसका पार्ट होता है, लाइन का। व्हेन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स से ए एंड बी ऑन ए लाइन, अगर हमारे को कोई भी दो अलग अलग पॉइंट दिए हुए हैं ए और बी, ठीक है। मेरे पास ये लाइन है, सॉरी ये थोड़ी टेढ़ी हो रही है, लेकिन जब हम स्केल से लगाएंगे तो बिल्कुल सीधी लगेगी। मेरे पास ये लाइन है, ठीक है, ए, और एक ये हो गया बी, ठीक है, ये मेरे पास लाइन है, ठीक है, ए बी ये लाइन होगी हमारे पास, ये लाइन सेगमेंट है। क्या है लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट क्या होता है, लाइन का ही पार्ट होता है। लाइन सेगमेंट वो होता है जिसके टू एंड पॉइंट होते हैं, मींस उनकी एक जो है लेंथ जो होती है वो फिक्स होती है, उससे आगे वो नहीं बढ़ सकती, ठीक है। लाइन सेगमेंट की फिक्स होती है लेंथ, ना तो ये इधर से आगे बढ़ेगी ना बी की तरफ से, इसके दो एंड पॉइंट होंगे ए और बी। इसको जब हम नाम देंगे तो कैसे देंगे, ए बी, क्या नेम देंगे, ए बी। और जब ए बी राइट करेंगे तो इसके ऊपर ये वाला सिंबल होगा, लाइन सेगमेंट का ये वाला सिंबल होता है, ठीक है। तो ए बी क्या है, हमारा लाइन सेगमेंट है, ठीक है, जिसके टू एंड पॉइंट होते हैं। नेक्स्ट आता है इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती हैं, जो क्या करती हैं, ये देखो ये सब क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं। क्या है, इंटरसेक्टिंग, मैंने इनको बोल दिया ए बी, इंटरसेक्टिंग सी डी और ई एफ, ये सब दे दिया मैंने, ठीक है ना, बीच में दे दिया मैंने ओ, ठीक है। तो ये सभी क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, ठीक है। तो आगे क्या कहते हैं, पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस कौन सी होती हैं, टू लाइंस आर सेड टू बी पैरेलल व्हेन दे आर नॉट इंटरसेक्टिंग। जब आपकी दो लाइन इंटरसेक्टिंग नहीं होंगी, एक दूसरे को कट नहीं करेंगी, एक दूसरे की तरफ जा कर के नहीं मिलेंगी, पैरेलल लाइंस वो होती हैं जो कहीं पर भी जा कर के नहीं मिलती, जो कहीं भी जा कर के नहीं मिलेंगी। एक लाइन एल हो गई, एक लाइन एम हो गई, ये दोनों पैरेलल हैं क्योंकि इनके पॉइंट भी कॉमन नहीं होते, नो पॉइंट इज़ इन कॉमन। पैरेलल लाइंस के एग्जांपल कैसे हो सकते हैं, जैसे हमारे रूलर की जो अपोजिट एजिज़ हो गई, या हमारे रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स हो गई, ये इसके एग्जाम्पल हो गए, ठीक है। जैसे हमारे रोम्बस है, रोम्बस की अपोजिट साइड्स हो गई, या हमारे बेड की अपोजिट साइड्स हो गई, ये भी क्या है, पैरेलल लाइंस हैं, ये कहीं भी नहीं मिलेंगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है रे। रे क्या होता है, जिसका सिर्फ एक ही एंड पॉइंट होता है उसको हम बोलते हैं रे। एक लाइन सेगमेंट एक्सटेंडेड इनडेफिनेटली इन वन डायरेक्शन। जब एक लाइन सेगमेंट जो है वो क्या करती है, एक ही डायरेक्शन में बढ़ती जा रही है, एक तरफ तो बिल्कुल स्टॉप है, ठीक है, जिसका सिर्फ एक एंड पॉइंट होगा, जिसका सिर्फ एक ही एंड पॉइंट होगा, और
बाकी डायरेक्शन में वो क्या कर रही है, बढ़ती जा रही है। ये ए बी है, ठीक है, ये हमारी रे हो गई। कैसे, रे का सिंबल क्या होता है, ए बी लिख के ये रे हो जाता है। इसका एक तो एंड पॉइंट होगा और एक तरफ से ये बढ़ेगी, ठीक है। इसकी कोई फिक्स लेंथ नहीं होती, क्यों नहीं होती, क्योंकि एक तरफ से तो एंडिंग पॉइंट है, लेकिन एक तरफ से तो इनिशियल पॉइंट हो गया और एक तरफ से ये बढ़ रही है, तो फिर इसकी तो लेंथ हमारे को फिक्स, हमें पता ही नहीं होगा कि फिक्स है या नहीं है, है ना। तो अब ये रे है, रे क्या होगी, जिसका कोई भी, जिसका सिर्फ एक हमारा जो है एंड पॉइंट होगा या इनिशियल पॉइंट होगा। और जैसे हमारे पास ए बी है, इसमें ए इज़ इनिशियल पॉइंट, ए क्या है, इनिशियल पॉइंट है, इसको हम इनिशियल पॉइंट बोलेंगे। और अगर मैं इसको यूं कर दूं, ठीक है, इसको मैंने कर दिया यहाँ पे और ये हो गया ए। अब बताओ, अब देखो, यहाँ पे तो इनिशियल पॉइंट ए था, यहाँ से वो बढ़ रही थी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ से वो बढ़ रही है। अब बी क्या है, अब बी यहाँ पे क्या कहलाएगा, बी इज़ रे, बी ए इज़ रे विद इनिशियल पॉइंट बी। अब बी क्या होगा, इनिशियल पॉइंट, मीन्स जहाँ से वो नहीं बढ़ रहा, जहाँ पे नहीं बढ़ रहा वो हमारा इनिशियल पॉइंट, और जहाँ से वो बढ़ रही है वो हमारा इनिशियल पॉइंट नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें ए बी और यहाँ पे हम क्या नाम दे देंगे, बी ए, इसका सिंबल ये होगा। एक हमने किया लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट का सिंबल क्या था, ये वाला, रे का ये वाला। अब किसका बताना है हमारे को, लाइन, लाइन का सिंबल होता है दोनों तरफ है, ठीक है। लाइन क्या होती है, लाइन वो होती है जिसकी कोई फिक्स लेंथ नहीं होती, उसको हम मेज़र ही नहीं कर सकते, ठीक है, हमें नहीं पता वो कितनी कहाँ तक जाएगी, पता कि ये लाइन कहाँ तक जाएगी। लाइन वो होती है जिसकी कोई फिक्स लेंथ नहीं होती, इसको हम मेज़र नहीं कर सकते। रे की भी कोई फिक्स नहीं है, लेकिन रे का एक इनिशियल पॉइंट होता है, ठीक है, एक एंडिंग पॉइंट बोल सकते हैं, वन एंड पॉइंट होता है। और ए, जैसे हमारे पास ए बी है, ए रे, एक रे है जो उसमें ए बी हैज़ वन एंड पॉइंट, ए बी में सिर्फ एक ही एंड पॉइंट है जिसका नाम ए है, और इसी को हम इनिशियल पॉइंट भी बोलते हैं, ठीक है। ये जो ए बी दिख रहा है आपको, इसमें ए इनिशियल पॉइंट भी है और एंडिंग पॉइंट भी है, बी इनिशियल पॉइंट भी है और एंडिंग पॉइंट भी है, क्योंकि ये इससे आगे नहीं बढ़ रहा, ठीक है। अगर इस वीडियो में कोई प्रॉब्लम लगी आपको, कुछ समझ में नहीं आया, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं। ये 4.1 एक्सरसाइज का बेसिक है, ये कंप्लीट हो गया तो इट मीन्स आपकी एक्सरसाइज भी इजीली कवर हो जाएगी, ठीक है। अगर मेरी वीडियो में आपको सब कुछ सही लगा है, समझ में आया, तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।